हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं 100 टॉप जीके क्वेश्चन के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, खट्टे फलों में से कौन सा एसिड होता है? इसका सही उत्तर है साइट्रिक एसिड। इसके बाद, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है कार्यकारी प्रमुख। इसके बाद, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज का स्मारक है? इसका सही उत्तर है मृत व्यक्ति के। इसके बाद, सम्राट अशोका किसका उत्तराधिकारी था? इसका सही उत्तर है बिंदुसार। इसके बाद, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? इसका सही उत्तर है सन 1950। इसके बाद, रौलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1919 में। इसके बाद, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? इसका सही उत्तर है अपने घोड़े को। इसके बाद, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है द रियल डील। इसके बाद, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका सही उत्तर है लोथल। इसके बाद, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है वास्तविक स्थापक। इसके बाद, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? सही उत्तर है बिंबिसार। इसके बाद, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आईपीएल। इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। इसके बाद, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? इसका सही उत्तर है पद्म विभूषण से। इसके बाद, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका सही उत्तर है बेंगलोर में। इसके बाद, संसद में कौन से दो हाउसेस है? इसका सही उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है गोवा। इसके बाद, रामायण के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है वाल्मीकि। इसके बाद, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही उत्तर है जोधपुर। इसके बाद, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका सही उत्तर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके बाद, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 22। इसके बाद, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। इसके बाद, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसके बाद, भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटरी है? इसका सही उत्तर है 29 राज्य और 7 न्यूनतम टेरिटरी। इसके बाद, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। इसके बाद, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका सही उत्तर है जनता गुफाएं। इसके बाद, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका सही उत्तर है ताजमहल। इसके बाद, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है द वेस्टर्न घाट्स। इसके बाद, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर है अरावली पर्वत। इसके बाद, डेन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसके बाद, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। इसके बाद, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इसके बाद, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी। इसके बाद, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका सही उत्तर है कुचिपुड़ी। इसके बाद, भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है अमित शाह। इसके बाद, भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। इसके बाद, भारत के RBI गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर है शक्तिकांता दास। इसके बाद, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। इसके बाद, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर रमेश पोखरियाल। इसके बाद, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है श्री राजनाथ सिंह। इसके बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है उद्धव ठाकरे। इसके बाद, तमिलनाडु के शासक कौन है? इसका सही उत्तर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? इसका सही उत्तर है कोरोना वायरस। इसके बाद, फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है मार्क जुकरबर्ग। इसके बाद, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1995 में। इसके बाद, लेवरेज EDU के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है अक्षय चतुर्वेदी। इसके बाद, CA का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? इसका सही उत्तर है 18 साल। इसके बाद, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। इसके बाद, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है दांडी यात्रा। इसके बाद, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अब्दुल गफ्फार खां। इसके बाद, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है बंकिम चंद चटर्जी। इसके बाद, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इसका सही उत्तर है राजगोपालाचारी। इसके बाद, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है माउंट ऑफ डेड। इसके बाद, शाहनामा किसकी कृति है? इसका सही
उत्तर है फिरदौस। इसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका सही उत्तर है अकबर। इसके बाद राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है जनमत संग्रह से। इसके बाद भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1962 में। इसके बाद भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। इसके बाद हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की कल्पना ग्रहण की है? इसका सही उत्तर है USA। इसके बाद यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 6 महीने। इसके बाद भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? इसका सही उत्तर है 370। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। इसके बाद भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? इसका सही उत्तर है 34 किलोमीटर। इसके बाद फोर्थ स्टेटेड पद किसे संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर है प्रेस। इसके बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? इसका सही उत्तर है भूकंप की प्रबलता। इसके बाद भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? इसका सही उत्तर है तलोचन द्वारा। इसके बाद भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वी कुरियन। इसके बाद रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसके बाद भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है बिहार। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका सही उत्तर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। इसके बाद भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तरी रेलवे। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर है K2। इसके बाद भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका सही उत्तर है मेघालय। इसके बाद ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा का संचलन से हटा देती है। इसके बाद कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है स्टाम्प शुल्क। इसके बाद वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? इसका सही उत्तर है 56। इसके बाद तेजड़िया बुल और मदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? इसका सही उत्तर है स्टॉक मार्केट। इसके बाद कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? इसका सही उत्तर है आयकर। इसके बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। इसके बाद निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है NSE सूचकांक से। इसके बाद विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? इसका सही उत्तर है भारत। इसके बाद हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही उत्तर है त्रिग्वेली। इसके बाद कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? इसका सही उत्तर है दक्षिणी सूडान। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही उत्तर है बान की मून। इसके बाद 2 जुलाई 2009 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है युकिया अमानो। इसके बाद 5 जुलाई 2011 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर क्रिस्टीन लगाई। इसके बाद महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? इसका सही उत्तर है UN Women। इसके बाद 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी है? इसका सही उत्तर है मिशेल बेचलेट। इसके बाद 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी है? इसका सही उत्तर है मिशेल बेचलेट। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 15। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? इसका सही उत्तर है 15। इसके बाद फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? इसका सही उत्तर है मोर। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा? इसका उत्तर है शेर। इसके बाद सार्क कब स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1985 में। इसके बाद भारत में कितने त्योहार? इसका सही उत्तर है 36 प्रमुख त्योहार है। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर 8 नवंबर 2016। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है
है कि आपको टॉप 100 जीके क्वेश्चन इन हिंदी ये आपके लिए मददगार रहे होंगे। यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।